अस्सलाम वालेकुम। हाय दोस्तों, आप सब कैसे हैं? अल्लाह करम से आप सब भी ठीक होंगे। आप सबकी दुआ से हम भी ठीक है। इधर मैं गैस चालू करके बड़ा सा पतीले रख दी हूँ गर्म होने के लिए। इसमें मैं तेल डाल देती हूँ। ये 1 लीटर तेल है। 1 लीटर में मैं थोड़ा बचाई हूँ, ये भी मैं बाद में डाल दूँगी। तेल को मैं डाल दी हूँ। अब इसमें मैं 1.5 केजी प्याज डालूँगी। सबसे पहले मैं खड़े मसाले, लौंग, इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, साजीरा, काली मिर्च, लौंग, आइए फूल के जैसा आता ना वो मैं मसाला ले ली हूँ, आप देख सकते हैं। इन सभी खड़े मसाले को पहले डाल देती हूँ। खड़े मसाले लाल हो गए हैं। अब इसमें मैं 1.5 केजी बारीक कटा हुआ प्याज डाल देती हूँ। प्याज को मैं डाल दी हूँ। ऐसे मैं प्याज को लाल कर लेती हूँ। आज मैं बनाऊँगी 4 केजी का चिकन बिरयानी। प्याज लाल हो गया है। अब इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देती हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट मैं 4-4 चम्मच ली हूँ। 4 चम्मच अदरक का पेस्ट, 5 चम्मच लहसुन का पेस्ट, इन सभी पेस्ट को मैं डाल लेती हूँ। ऐसे भून लेती हूँ 2 मिनट के लिए ताकि इसका कच्चापन चले जाए। लहसुन को भी, अदरक लहसुन पेस्ट को भून ली हूँ। अब इसमें मैं बारीक कटा हुआ पुदीना, हरा धनिया डाल देती हूँ। इसे भी 1 मिनट भून लेती हूँ ताकि इसका भी कच्चापन चले जाए। भूनने से इसका टेस्ट अच्छा रहता है, जो कच्चापन रहता है भी चले जाता है। अब इसमें मैं 1 केजी कटा हुआ बारीक पिसा हुआ टमाटर का प्यूरी डाल देती हूँ। 1 केजी टमाटर है, टमाटर को मैं पीस ली हूँ। इसे मैं डाल देती हूँ। टमाटर को भी अच्छी तरह भून लेती हूँ। टमाटर को मैं भून ली हूँ। इसमें मैं 1/2 कटोरी दही डाल देती हूँ। दही को मैं अच्छी तरह फेंट ली हूँ। इसे भी मिक्स कर देती हूँ। अब इसमें मैं ये टेस्टिंग पाउडर डाल देती हूँ। ये शक्कर के जैसा रहता है, बारीक शक्कर के जैसा, ऐसे भी इसमें डाल देती हूँ। यहाँ पे मैं बिरयानी पेस्ट ली हूँ। चिकन मसाला 2 पैकेट ली हूँ। 2 पैकेट गरम मसाला ली हूँ। लाल मिर्च पाउडर ली हूँ। इन सभी मसाले को पहले मैं डाल देती हूँ। सभी मसाले को डाल दी हूँ। इसमें मैं स्वाद अनुसार नमक डाल देती हूँ। हल्दी या चिल्ली पाउडर मैं डाल दी हूँ। अब इसमें मैं बिरयानी मसाला डाल देती हूँ। ये घर का बिरयानी मसाला है, घर पे बनाते हैं ना, वो बिरयानी मसाला है। मसाले को मैं अच्छी तरह भून ली हूँ। अब इसमें मैं चिकन को मैं अच्छी तरह भून ली। ये 4 केजी चिकन है, छन्नी में रख दी थी कि जितना पानी रहे सभी निकल जाए। अब मसाले में भी चिकन को पका लेती हूँ। अब इसमें मैं धनिया पाउडर 2 चम्मच डाल देती हूँ। ऐसे मिक्स कर लेती हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ ताकि मसाला भी अच्छी तरह भुन जाए, चिकन भी गल जाए। चिकन तो जल्दी गल जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब देख सकते हैं कितना अच्छे मैं मसाले को, चिकन को भून ली हूँ। तेल साइड से निकल गया है, चिकन भी अच्छी तरह पक गया है। ये पतीली को मैं उतार देती हूँ। चावल का पतीली रख दी हूँ पानी भर के, और पानी में उबाल आने देती हूँ। इसमें मैं नमक डालूँगी, स्वाद अनुसार नहीं डालूँगी, हल्का ही नमक डालूँगी, पानी उबलने वाला है। पानी अच्छी तरह उबल गया है। चावल को मैं भिगा के 1/2 घंटा के लिए रख दी थी, और सभी चावल को मैं इसमें डाल देती हूँ। आप कभी भी बिरयानी बनाइए तो चावल पहले भीगने के लिए रख दीजिएगा। सभी चावल को मैं डाल दी, इसे मैं चला देती हूँ। इसे ज़्यादा नहीं चलाना है, हल्के आँच से 2 से 3 बार चलाना है, उससे ज़्यादा नहीं चलाना है। आँच को मैं तेज़ कर दी हूँ ताकि जल्दी पक जाए। ज़्यादा नहीं पकाना, आज कच्चा ही चावल को पकाना है। आप देख सकते हैं 1 चावल में 3 टुकड़े हो रहे हैं। चावल अच्छी तरह हो गया। चावल को मैं साइड में रख दी हूँ। अखनी को मैं
फिर से गैस पे रख देती हूँ। ये जो तेल है थोड़ा सा मैं कटोरी में निकाल लेती हूँ, चावल के ऊपर से डालने से अच्छा रहता है। मैं निकाल ली हूँ एक कटोरी, आप देख सकते हैं। इसमें मैं चावल को डाल देती हूँ। चावल को मैं पानी अच्छी तरह पसा ली हूँ, सभी चावल को इसमें मैं डाल देती हूँ। देख सकते हैं इसका कलर बहुत अच्छा आया अखनी का। सभी चावल को मैं डाल दी हूँ, सभी चावल को मैं डाल दी हूँ। इसे अच्छी तरह फैला देती हूँ और ऊपर से जो मैं तेल निकाली थी अखनी में से, सभी तेल को चारों तरफ से डाल देती हूँ। इसे मैं दम कर लेती हूँ स्लो आंच पे। ऊपर से कुछ बड़ा पतीली रख दीजिए ताकि अच्छे से जल्दी दम हो जाए। बिरयानी अच्छी तरह दम हो गया है, इसे मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। आज मैं बनाई हूँ चिकन की बिरयानी। बिरयानी को मैं एक प्लेट में निकाल ली हूँ, आप देख सकते हैं खाने में बहुत टेस्टी रहता है। आज मैं बनाई हूँ चिकन की बिरयानी। आज की मेरी वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो कमेंट लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। जो भी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।